नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स सम पर। और आज हम लोग सीखने वाले हैं SHM को और एक्सटेंड करने वाले हैं, है ना। थोड़ा सा आज हम लोग फेजर डायग्राम वगैरह के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले दो वीडियोस में, मतलब पहला वीडियो तो इंट्रोडक्शन ही था, सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे इक्वेशंस देखे थे, और अभी हम लोग देखेंगे उसी का एक फेजर डायग्राम, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से सुनना है और बहुत आसान टॉपिक है। अब तो आप लोग इक्वेशंस देख ही लिए हो, क्या है साइनसोइडल फंक्शन है सारे के सारे, है ना। और चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा एक एक करके देखते हैं। मैं एक सबसे पहले सिचुएशन जो समझा रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान समझना है, बाकी चीज़ें ऐसे ही चलते रहेंगे इसमें, ठीक है। मैंने एक सर्कुलर पाथ बनाया हुआ है ना। यहाँ पर मैंने एक मास लिया हुआ है, छोटा सा मास है एम मास, ठीक है। और ये एम मास इस सर्कुलर पाथ में इस तरह से घूम रहा है, जिससे कि इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट। यानी कि अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा का वैल्यू होता है 2πf, है ना। इसका मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होगी? नहीं होगी। ओमेगा का वैल्यू 2πf होता है, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2π। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो 2π भी कांस्टेंट होगा, दैट्स अ कांस्टेंट। तो फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट हो गया। टाइम पीरियड क्या होता है? 1πf, यानी कि 2π बाई ओमेगा आ जाएगा। तो ये भी रहेगा हमारा कांस्टेंट, यानी कि मैंने जितने सारे एंगुलर वेरिएबल्स लिए हुए, ओमेगा, एफ, टाइम पीरियड, ये सारे चीज़ें मैंने कांस्टेंट लिया हुआ है। यहाँ पर कुछ भी बढ़ घट नहीं रहा है, यानी कि इसका मतलब अगर ये ओमेगा कांस्टेंट है तो ये मास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, इसकी वेलोसिटी टेंजेंट की तरफ बढ़ या घट नहीं रही होगी, डायरेक्शन तो बदलेगा ही, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। ये कैसा कर रहा है? UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इस कंडीशन में वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी वेक्टर में अगर हम बात करें तो वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है ना। तो चलो ठीक है, एक काम करते हैं। जब हमने इस मास के बारे में बात करना स्टार्ट किया, ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, तो किसी टाइम इंस्टेंट पर, किसी भी टाइम इंस्टेंट पर ये पार्टिकल यहाँ पहुँच जाता है। एक एक चीज़ को समझना है, एम मास यहाँ पहुँच जाता है किसी टाइम इंस्टेंट पर। और हमने अभी मान लिया है कि जब समय जीरो था तो ये मास यहाँ था, ठीक है। अगर समय जीरो था तो मास कहाँ था? यहाँ पर था। अब हम एक काम करते हैं, इस मास के कारण इस वाले लाइन पर, ये जो एक्स एक्सिस है, हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। इस परपेंडिकुलर का नाम देते हैं हम एन, और यहां से इस सेंटर से इसका डिस्टेंस है मान लेते हैं एक्स। यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर ले रहे हैं, ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा कोई वाई। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि टी टाइम पर इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है और वाई कोऑर्डिनेट वाई है? इस मास का टी टाइम पर एक्स का कोऑर्डिनेट एक्स है और वाई कोऑर्डिनेट वाई है। थोड़ा अगर गलत लिख दिए है, थोड़ा अच्छे से समझना है, इसमें लिखना है यहाँ पर एक्स कॉमा वाई कॉमा टी, और तीनों ही चीज़ें वेरिएबल है। एक्स भी बदलेगा, क्योंकि अगर ये मास यहाँ आ जाएगा तो फिर हमको परपेंडिकुलर तो यहाँ से ड्रॉप करने पड़ेंगे, ये हो जाएगा, तब ये वाला एक्स हो जाएगा और ये वाला वाई हो जाएगा, है ना। तो इसका अगले टाइम इंस्टेंट पर एक्स कॉमा वाई कॉमा टी सब कुछ बदल चुका होगा, यानी कि ये तीनों ही चीज़ें इसका वेरिएबल है। एक्स भी बदल रहा है, वाई भी बदल रहा है और टी भी बदल रहा है। क्लियर हो गया? हम अभी इसको इरेज कर रहे हैं। पूरे अच्छे से समझना है पहले, इसको बाद में कॉपी उपी करते रहना है, ठीक है। पहले समझ लो हो क्या रहा है यहाँ पर। हम एक काम करते हैं, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस हम मान लेते हैं ए, कैपिटल ए, ठीक है। हमने मान लिया यहाँ ये मास है, इसका रेडियस है कैपिटल ए। तो और यहाँ पर एंगल इसने बनाया थीटा, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए का कॉस थीटा नहीं हो जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा। और वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा। आसान है यहाँ पर। अगर मैंने ये एंगल यहाँ से काउंट करना स्टार्ट किया है, थीटा यहाँ से काउंट किया है, तब फिर
एक्स का वैल्यू हो गया ए कॉस थीटा और वाई का वैल्यू ए साइन थीटा। अब एक काम करना है यहां पर से, अगर मेरा ये एक्स पार्ट एक्स मास, ये जो एम मास है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा था, तो घूम रहा था तो ये परपेंडिकुलर, थोड़ा सिर्फ इसी चीज को यहां पर ध्यान से समझना है कि जब एम मास था यहां पर तो परपेंडिकुलर भी यही होगा, परपेंडिकुलर इज दिस वन, एम मास इज दिस वन। जैसे ये आगे जाएगा ऐसे पहुंचेगा, दिखा दिखा ना, यहां से ये मास यहां पहुंचा, उसका परपेंडिकुलर यहां पहुंच चुका है। ये जब यहाँ आएगा तो परपेंडिकुलर यहाँ पहुँच जाएगा, ये जब यहाँ आएगा तो परपेंडिकुलर यहाँ रहेगा, ये जब यहाँ आएगा तो परपेंडिकुलर यहाँ, है ना, तो ऐसे करते हुए यहाँ पहुँचेगा, क्लियर हुआ। फिर जब मास घूमते हुए इधर आ जाएगा तो फिर परपेंडिकुलर हम ऐसे ऐसे दिखाते दिखाते यहाँ पहुँचा दे, दिखा नहीं दिखा, फिर से ये मास यहाँ पर है, परपेंडिकुलर यहाँ है, ये जैसे ही आगे बढ़ेगा, ठीक है, और फिर ये मास तो ऐसे घूम रहा है परपेंडिकुलर, तब उसी के यहां से यहां पर जब मास होगा परपेंडिकुलर, इधर मैंने ड्रॉ किया तो क्या हो रहा है कि इस परपेंडिकुलर का मोशन इस पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो टाइप का हो रहा है ना, परपेंडिकुलर मूविंग लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन। ऑल्सो अगर एम मास यहां था तो इधर वाले क्या, हम परपेंडिकुलर के बारे में बात करते हैं, हमने इधर परपेंडिकुलर दिया था, अभी एक और परपेंडिकुलर इधर भी है ना, तो यहाँ परपेंडिकुलर है, ये जब ऐसे जाएगा दिख रहा है परपेंडिकुलर, ये मास इधर भागा तो वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो अब ऐसे जाएगा, और जब ये यहाँ पहुँच जाएगा, यानी कि इसी मास का परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस में भी टू एंड फ्रो मोशन यानी कि एस एच एम दे रहा है और वाई एक्सिस में भी एस एच एम दे रहा है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं वाई वाले हिस्से का, ठीक है, एक्स वाले हिस्से के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छा से कलेक्ट कर लेते हैं। क्या हमको ओमेगा पता है? ओमेगा क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डी थीटा अपॉन डी टी, ओके, तो डी थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? ओमेगा डी टी, इज इट ओके? इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इंटीग्रेट करेंगे, जब समय जीरो था उस टाइम पर मान लेते हैं कि एंगल, अभी हमने बोला था ना जीरो था एंगल, मान लेते हैं कि एंगल कोई फाइव बन रहा था, फेज फाइव बन रहा था, इसको बोलेंगे इनिशियल एंगल। हो सकता है कि यह मास यहां नहीं रहे, यह बात ध्यान समझना है, हो सकता है कि मास यही मास यहां पर नहीं रहे, हो सकता है यह मास यहां आ जाए शुरुआत में ही रहे, यहाँ पर से थे फाई हमने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। ध्यान समझना है सिर्फ इस बात को, जब समय जीरो था तो एम मास टी इक्वल टू जीरो टाइम पर यहाँ पर कोई फेज फाई एंगल बना रहा था और मैंने जो थेटा बनाया है ये वाला एंगल जो थीटा है, देख रहा था, ये इनिशियल फेज फाई है, क्लियर हो गया यहाँ तक, इनिशियल फेज फाई, यानी कि हो सकता है कि मास कोई गारंटी थोड़ी ना है यहीं से चलेगा हर बार, यहाँ से भी चल सकता है, यहाँ से भी चल सकता है, यहाँ से भी चल सकता है, इनिशियली शुरुआत में ये मास यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो जितना भी एंगल इसने बनाया हुआ है हम उसको कहेंगे फेज फाई, फेज इसको क्या कहते हैं, फेज एंगल या इनिशियल फेज, इनिशियल फेज, इज इट ओके? मतलब शुरुआत में एक बॉडी का कोई गारंटी नहीं कि यहाँ पर ही रहे, बस यही बात को समझना है यहाँ पर, ठीक है, इसी के लिए सब चीज़ हम बता रहे हैं। यह मास यहीं रहे कोई गारंटी तो नहीं है, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो जितना भी उसने एंगल बनाया हुआ है शुरुआत में जब समय जीरो पर था विद एक्स एक्सिस, उसी को बोलेंगे इनिशियल फेज। और टाइम, किसी टाइम टी पर मान लेते इसने एंगल बना लिया टोटल थीटा, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे थीटा आ जाएगा, और थीटा को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे फाई टू थीटा से तो यहां पर आ जाएगा, ओमेगा डी टी का इंटीग्रेशन टी, कहां से कहां तक, जीरो से लेकर टी तक, तो यहां से बनेगा थेटा, पहले पुट करेंगे थेटा माइनस में फाई इज गेटिंग एज ओमेगा टी, तो थेटा का वैल्यू हो जाएगा ओमेगा टी प्लस में फाई, आ गया बात समझ में। तो थेटा का वैल्यू कितना लिख देंगे यहां से, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी
प्लस में फाइव। देखो तो ये वही इक्वेशन तैयार हो गया क्या जो हम लोगों ने सीखा था पिछले लेक्चर्स में SHM का, डिस्प्लेसमेंट यानी कि टाइम के फंक्शन के रूप में, है ना। दिस इज द फंक्शन ऑफ टाइम। अगर हम यहाँ से वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे, dy/dt। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, है ना। हमारा अभी पूरा का पूरा स्टडी इस डायरेक्शन में नहीं हो रहा, अभी हमने सारा वाई डायरेक्शन में बात किया, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो इधर की तरफ का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, dy/dt। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए साइन का हो जाएगा कॉस, जितना एंगल है वो सारा। अब फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, टी का हो जाएगा 1 और फाई का हो गया 0। तो ओमेगा से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस में फाई वेलोसिटी। इज दैट ओके। बी का वैल्यू हो गया, ये किसका, फंक्शन ऑफ टाइम हो गया, ठीक है ना। अगर हम इसी को इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, dv/dt। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ए ओमेगा तो बाहर है ही, यहाँ से भी ओमेगा फिर से उसी तरह से आ जाएगा बाहर, तो ए ओमेगा का स्क्वायर कॉस का हो जाएगा माइनस में साइन ओमेगा टी प्लस में फाइव, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पास, हमारे पास एक्सेलरेशन का वैल्यू। और फिर वही सिमिलरली ए साइन ओमेगा टी प्लस में फाइव के जगह पे अब वाई लिख सकते हैं, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो गया माइनस में ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ वाई। याद है, ये तो पढ़े थे इक्वेशन ऑफ SHM, पहले कॉपी करो फिर और अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं इस पे, ठीक है ना। अभी हम लोग एक और इक्वेशन देखे थे, वाई एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, है ना, ए कॉस थीटा, ये ना था। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं ए कॉस ओमेगा टी प्लस में फाइव भी लिख सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है कोस का फंक्शन है ना, कैसा फंक्शन है, कॉस का फंक्शन है। तो ये कुछ इस तरह से चलेगा, कॉस वाला, है ना। अगर हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो कॉस का ग्राफ ही खींचाएगा। तो इसमें कौन सा एंगल था, याद है, पाई बाई टू ओमेगा, ये था पाई बाई ओमेगा, ये था 3π/2ω, ये था, सॉरी, 2π/ω, और ये हो गया 5π/2ω, है ना। इसी तरह से करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप पर बात कर रहे थे। एक चीज है यहां पर कि ये एंगल फाई है, हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना है। यहां पर मैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कर्व सारा इसी में बनाऊंगा। ठीक है, अभी दिखाता हूं वो फाई का क्या रोल है, कैसे हम उसको ग्राफ में इंटरप्रेट करेंगे। पहले इसका वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, dx/dt। तो यहां से जाएगा ए ओमेगा और कॉस का जाएगा माइनस साइन, तो यहां पर माइनस साइन ओमेगा टी प्लस में फाइव। और एक्सेलरेशन के जगह पे dv/dt, होप करते इतना तो अब समझ में आता होगा। यहां से क्या हो जाएगा, माइनस में ए ओमेगा और एक और ओमेगा यहां से जाएगा, ए ओमेगा का स्क्वायर साइन को जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस में फाइव। ये जो वेलोसिटी का इक्वेशन आया है इसमें हम देख सकते हैं कि ये साइन का फंक्शन है, मगर निगेटिव साइन का। तो निगेटिव साइन याद है ना, ऐसे खींच देते, ऊपर से साइन ग्राफ ऐसे जाता है तो इसमें ग्राफ ऐसे आ जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड माइनस में ए ओमेगा का स्क्वायर, सॉरी ए ओमेगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में ए ओमेगा। ये था ग्राफ वेलोसिटी का। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन वाले का। एक्सेलरेशन कैसे हो जाएगा, कॉस का ग्राफ है लेकिन उल्टा, तो कॉस ऐसे चल रहा था, यहां पर उल्टा, यानी कि नीचे से ग्राफ खींचना पड़ेगा ऐसे। इज दैट ओके। तो ये हो गया मेरे पास माइनस में ए ओमेगा का स्क्वायर और ये हो गया ए ओमेगा का स्क्वायर। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है एम्पलीट्यूड, ये जितना ज्यादा जा सकता है उसके बारे में बात कर रहे हैं यहां पर। और ये टाइम का ग्राफ हो गया। अब ध्यान से समझना है यहां पर कि वो फेज वाला का क्या दिक्कत है। हमने बोला कि जब समय जीरो था
तो क्या गारंटी यहाँ पर रहे? नहीं, हो सकता है कि समय जीरो पर वो यहाँ रहे, तो हर कुछ बदलेगा। तो जब समय जीरो था यहाँ पर से ही मैंने काउंट करना स्टार्ट किया टाइम का। ये जो है मेरा इस तरह से चला है ग्राफ फंक्शन, ये जो है एक्सिस यहीं से है। तो जब समय जीरो था उस टाइम पर बॉडी यहाँ था, तो मेरा ग्राफ एक्चुअली में तब यहाँ से ऐसे भागेगा। कोई दिक्कत है? ये ग्राफ तब जैसा था वैसा ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है ग्राफ में, बस फेज का डिफरेंस आ जाएगा। दैट डिफरेंस ऑफ फेज है ना, दैट डिफरेंस ऑफ टाइम ड्यू टू फेज। आ गया समझ में? अब अगर मेरे को बोला कि ये क्लियर हुआ ना, चलो पहले इतना कॉपी कर लो, फिर हम आगे बात करते हैं बहुत सारा चीज, ठीक है? अभी एक सवाल ले रहे हैं, ठीक है? हाँ, इसमें देखना है यहाँ पर, अ पार्टिकल स्टार्ट्स एस एच एम फ्रॉम मीन पोजिशन। एक पार्टिकल ने एस एच एम स्टार्ट किया है मीन पोजिशन से, यहाँ से, मतलब टी इक्वल टू जीरो टाइम पर वो यहाँ नहीं था। इस तरह का ग्राफ नहीं बनेगा, है ना, ये पीछे वाला ग्राफ बन जाएगा। समझ में आ रही बात ना? टी इक्वल टू जीरो टाइम पर वो मीन पोजिशन पर यही था, ओके, यहाँ पर था। एट द टाइम वेन इट्स स्पीड इज हाफ, किसी टाइम टी पर इसकी वेलोसिटी जो होती है हाफ हो जाती है, किसका? ऑफ मैक्सिमम स्पीड, यानी कि वी मैक्स जो होता है उसका आधा हो जाता है किसी टाइम टी पर। वी मैक्स कितना होता है? ए ओमेगा होता है ना, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ए ओमेगा का आधा। तो पूछ रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन पूछा है, तो क्या हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं? आवाज नहीं आया? अरे ये वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, हम इसका क्यों यूज करेंगे? हम एक काम करते हैं, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन यूज करते हैं। तो वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट वाला यह इक्वेशन था, है ना, अगर हम इसी से चाहे तो इससे भी निकाल सकते हैं, आराम से निकल जाएगा। देखो अगर भूल वगैरह जाओ तो इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, देखो इसको स्क्वायर करके जोड़ दो तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस का स्क्वायर थीटा टाइम वाला ये बल उड़ जाएगा, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन वन का होल स्क्वायर प्लस में इक्वेशन टू का होल स्क्वायर, इस दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर प्लस में वी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, सॉरी, इसको एक्स कॉस ने स्क्वायर करना है, तो एक्स बाय ए, तो एक्स बाय ए का होल स्क्वायर। अब वेलोसिटी की जगह पे ए स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा और इधर हो गया मेरा वन। सिंपल है, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो वन आ जाएगा। इसको मैंने इधर कर लिया, इसको इधर कर लिया, तो ऐसे हो जाएगा ना। यही तो मेरा था इलिप्स का इक्वेशन। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? वेलोसिटी का वैल्यू वी का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस में एक्स का स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में सॉरी एक्स का स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो वेलोसिटी इज गेटिंग एज ओमेगा रूट ओवर एक्स का, है ना। ये फॉर्मूला अगर भूल जाओ तो ऐसे निकालने का भी तरीका है, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं बहुत तेज़ी से। तो अब कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, ये बोल रहा है कि भी मैक्स का आधा हो जाए, यानी कि किसी टाइम टी पर जो इसका डिस्प्लेसमेंट है कुछ एक्स है, उस डिस्प्लेसमेंट पर इसका वेलोसिटी कितना हो जाता है? भी मैक्स का आधा हो जाता है, ठीक है। तो यह वेलोसिटी जब क्या लिख देंगे? भी मैक्स यानी कि ए ओमेगा का आधा, एकदम आसान हो गया, ए ओमेगा का आधा, और यहाँ पर हो गया ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर। ये तो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, ओमेगा ओमेगा कट गया, स्क्वायर कर दे क्या? तो यहाँ से जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर बाय फोर इज गेटिंग एज ए स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो एक्स का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बाय फोर, यानी कि थ्री ए स्क्वायर बाय फोर। सिंपल है ना। तो एक्स बराबर हो गया ए बाय टू रूट थ्री, दैट्स योर आंसर, एकदम आसान था। अभी एक और सवाल लेते हैं, पहले कॉपी कर लो इसको, ठीक है, फिर अच्छे वाले सवाल। अभी एक सवाल कह रहा है कि किसी x1 डिस्टेंस पर पार्टिकल का वेलोसिटी v1 है और किसी x2 डिस्टेंस पर पार्टिकल का वेलोसिटी v2 है।
तो हमको इसका टाइम पीरियड बताना है, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। ठीक है, फिर से सबसे पहले समझना है कि कौन सा इक्वेशन लगाएं, इतने सारे तो इक्वेशन है यहाँ पर, तो इसलिए हम अभी थोड़ा चाह रहे हैं कुछ सवाल वगैरह ले लें तो थोड़ा आसान हो समझने में कि आखिर इतना सारे का यूज़ कैसे कर रहा है। ठीक है, तो फिर से बात समझना है कि वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर डिपेंड कर रहा है, तो वही फिर से पीछे वाला इक्वेशन लगेगा, कैसे कहते हैं, वी बराबर ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर, है ना था। तो जब एक्स वन है तो उसमें वेलोसिटी वी वन है, तो यहाँ पर हम एक्स वन लिख देते हैं तो वेलोसिटी वी वन आ जाएगा, और वी टू कब आएगा, जब ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस में एक्स टू का होल स्क्वायर आ जाएगा। और हमको पूछा है इसने टाइम पीरियड, तो मुझे ओमेगा तो बचाना पड़ेगा, डिवाइड नहीं कर सकते, इसको एक काम करते हैं स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड में, तो वी वन का होल स्क्वायर है ना अब बाई ओमेगा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में एक्स वन का स्क्वायर, इस ओमेगा को नीचे ला करके स्क्वायर कर दिए, तो यहाँ से भी आ जाएगा उसी तरह से वी टू का होल स्क्वायर बाई ओमेगा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस में एक्स टू का होल स्क्वायर। और एम्पलीट्यूड नहीं चाहिए मुझे क्योंकि हमको ओमेगा निकालना है, तो काम करते हैं दोनों को घटा देते हैं, है ना, इसमें इसको घटा देते हैं, इसी में से इसको घटाते हैं, किसी में से किसी को घटा दो, तो वी टू का होल स्क्वायर माइनस में ओमेगा का स्क्वायर माइनस में वी वन का होल स्क्वायर बाई ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस माइनस दिस ए स्क्वायर माइनस में एक्स टू का होल स्क्वायर, मतलब अगर इसमें इसको घटाएंगे तो ये दोनों तो हिस्सा खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स वन का होल स्क्वायर माइनस में एक्स टू का होल स्क्वायर, ओमेगा चाहिए इस दोनों को इधर भेज देते हैं, तो वी टू का होल स्क्वायर माइनस में वी वन का होल स्क्वायर बाई एक्स वन का होल स्क्वायर माइनस में एक्स टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम ओमेगा के बारे में कुछ ख्याल इसका कर सकते बेचारे का, तो स्क्वायर इधर आ जाएगा, रूट आ जाएगा इधर, है ना, तो वी टू का होल स्क्वायर माइनस में वी वन का होल स्क्वायर बाई एक्स वन का होल स्क्वायर माइनस में एक्स टू का होल स्क्वायर, और ओमेगा का वैल्यू होता है टू पाई बाई टी, याद है ना, आ तो गया आंसर, अब कुछ तो बचा थोड़ी ना। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स करके टू पाई नीचे भेज देंगे, है ना, तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, टू पाई रूट ओवर एक्स वन का होल स्क्वायर माइनस में एक्स टू का होल स्क्वायर बाय वी टू का होल स्क्वायर माइनस में वी वन का स्क्वायर, दैट्स योर आंसर। ठीक है, ये वाला ए आई पी एम टी 15 में पूछा था, ठीक है, और पिछला वाला भी कभी ना कभी पूछा ही गया था, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं जो कि पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, समझ में आ रहा ना, क्या क्वेश्चन था कि x1 डिस्टेंस पर उसकी वेलोसिटी v1 थी और x2 डिस्टेंस वेलोसिटी v2 था, तो दोनों क्या जब ऐसा चल रहा था ये इसका, तो टाइम पीरियड बताओ क्या होगा, तो टाइम पीरियड का वैल्यू है ना, तो हो गया आंसर, कॉपी करो। इस बार जो सवाल है उसमें थोड़ा देख लेते हैं इस वाले को, हाँ, यहाँ पर एक SHM हो रहा है पार्टिकल का, उसका वैल्यू दिया 3 sin 100t + π/6, कुछ ऐसा इक्वेशन दिख रहा है क्या, मतलब यहाँ पर कॉस है तो यहाँ पर अगर साइन रहता है ना तो कॉस तो नहीं लिख सकते, यहाँ पर साइन लिख लेते हैं और इसको यहाँ पर वाई लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना, ये हो जाएगा साइन। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन था हमारे पास, दोनों में से किसी का किसी से मैच किया उसी से बात कर रहे हैं, स्टार्ट करेंगे, तो क्या ये ओमेगा है क्या, क्या ये फाई है क्या, दिमाग बैठ गया ना, ये एम्पलीट्यूड है क्या, तो दो तीन डेटा तो ऐसे ही मिल गया, एम्पलीट्यूड, ओमेगा का वैल्यू 100, अगर ओमेगा का वैल्यू 100 है तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकते, है ना, तो ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, 2πf का वैल्यू 100 हो गया, और यहाँ से अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहेंगे तो 100 अपॉन 2π हो जाएगा, इतना हर्ट्ज, टाइम पीरियड नहीं निकाल सकते यहाँ से, टाइम पीरियड का वैल्यू होता है 1πf, है ना, तो टाइम पीरियड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2π/100, सिंपल हो गया, है ना, इतना सेकेंड्स। देखो ओमेगा पता है तो सारा चीज़ पता, एक लाइन में 5 फेज दिया हुआ है, मतलब कि बॉडी ये π/6 है 30 डिग्री, मतलब शुरुआत में ये 30 डिग्री पर था, वही वाला बात आ गया ना समझ में, कि जीरो पर नहीं है ये बॉडी, एट टाइम t इक्वल टू जीरो बॉडी जीरो पर नहीं है, ये किसी फेज पर है शुरुआत में, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इससे। इसका हमको जानना है वेलोसिटी मैक्सिमम, तो है ना, वी मैक्सिमम, वी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए ओमेगा होता है, ए दिख रहा है 3, ओमेगा दिख रहा है 100,
आई थिंक 300 मीटर पर सेकेंड हो गया। हमको जानना है एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, ए ओमेगा का होल स्क्वायर। एक्सेलरेशन दिख रहा है 300 कितना 30,000 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है ना। हमको जानना है वेलोसिटी एट टी इक्वल टू, ऐसे कर लेते हैं टी इक्वल टू पाई बाय 100 सेकेंड्स पर है ना, 100 सेकेंड्स पर पाई बाय 100 सेकेंड्स पर वेलोसिटी निकालना है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो पुट कर लेते हैं ना। देखो वेलोसिटी जानना है हमको, और अच्छा डिस्प्ले पहले स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट से ही है ना। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जानना है टी इक्वल टू पाई बाय 100 पर, तो जहाँ पर टी दिख रहा है वहाँ पर पाई बाय 100 पुट कर दो। तो क्या दिख रहा है यहाँ से, वाई इज इक्वल टू 3 sin 100 पाई बाय 100 प्लस में पाई बाय 6। अब यहाँ पर इसका मतलब समझ में आएगा कि बॉडी कहाँ है, 3 sin π प्लस में पाई बाय 6 हो गया, और 180 प्लस में थेटा क्या हो जाएगा, साइन थेटा ही होगा मगर नेगेटिव में होगा है ना। ये तो पता होगा थोड़ा सा ये चीज़ कि इस रीजन में सारे पॉजिटिव होते हैं, इस रीजन में साइन पॉजिटिव होते हैं, इस रीजन में टैन पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर होता है पाई, तो पाई में से बढ़ेगा तो टेन के रीजन में चला जाएगा ये, तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा साइन ही लेकिन निगेटिव में आ जाएगा। तो माइनस में 3 sin π/6, ये था 30 डिग्री हो गया ना, तो माइनस में 3 × 1/2 माइनस में 1.5 मीटर पर है। माइनस 1.5 का मतलब ये हो गया कि मीन पोजीशन से वो पीछे की तरफ है। अरे बस समझो ना, मीन पोजीशन से वो पीछे की तरफ, एकदम आसान हो गया, क्लियर हो गया, ये क्लियर है ना यहाँ तक। एक्स इक्वल टेन टी इक्वल टू जीरो टाइम पर वो कहाँ है, जब शुरुआत है तो वो कहाँ है, तो ये भी निकाल सकते हैं हम यहाँ पर। इसको हटा दे रहे हैं, ये भी हटा दे रहे हैं। जब समय जीरो था तो बोला था ना पाई बाय 6 फेज पर है, तो ठीक है वो है कहाँ ये भी चेक कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, वाई का वैल्यू 3 sin, ये इंटायर टर्म जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस में पाई बाय 6, तो ये 30 डिग्री हो गया क्या, तो ये क्या 3 × 1/2 मतलब 1.5 मीटर पर, यानी कि वो जब समय जीरो था उस टाइम पर वो 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर है। सोच के देखो आधा डिस्टेंस पर है क्या, क्योंकि वो शुरुआती मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो 3 है, ये तो साफ दिख रहा है कि यहाँ से देखा 3 मीटर दिया हुआ है, और जब समय जीरो था वो यहाँ था, एट टी इक्वल टू जीरो वो पार्टिकल यहाँ है। अरे बस समझो ना, अगला अगला कहा, मुझे इसका वेलोसिटी जानना है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यही ना था 3 sin 100 π/t समथिंग है ना था। तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए ओमेगा यानी कि 3 × 100 साइन का हो जाएगा कॉस 100 टी प्लस में पाई बाय 6 हो जाएगा, और इसी के हिसाब से अगर मैं एक्सप्रेशन निकाल दें तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास कॉस का माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में 30,000 कॉस का यहाँ पर आ जाएगा साइन 100 टी प्लस में पाई बाय 6 हो जाएगा। अब आप एक्सेलरेशन का वैल्यू उसी तरह से टी इक्वल टू जीरो पर और टी इक्वल टू 1 सेकंड पर निकाल सकते हैं, तो वेलोसिटी का वैल्यू 0 सेकंड्स पर कितना हो जाएगा, तो 300 ये 3 × 100 है, कॉस यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो पाई बाय 6 बचेगा, कॉस पाई बाय 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 300 × √3/2 तो 150√3 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी एट 1 सेकेंड्स पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब π/100 पर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 300 cos 100 × π/100 प्लस में π/6 है ना जाएगा, ये कट जाएगा तो कॉस फिर से वही 180 तो वही रह जाएगा, तो 300 लेकिन नेगेटिव में आ जाएगा कॉस पाई बाय 6, आई थिंक जो आया था पिछली बार में उसी का नेगेटिव होने हैं, तो 150√3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा।
सिमिलरली एक्सेलरेशन एट जीरो टाइम पर बात कर सकते हैं, एक्सेलरेशन एट जीरो टाइम पर क्या हो जाएगा, सिर्फ वही माइनस में 30,000 साइन 60 डिग्री, ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ, तो हो गया माइनस में 15,000 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और एक्सेलरेशन एट पाई बाय 100 पर हो जाएगा प्लस में 15,000 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। और कुछ बचाओ, चाहे दो सेकेंड में पूछेगा, एक सेकेंड में पूछेगा, या टू पाई बाय समथिंग पर पूछेगा, जो भी पूछेगा, जहां पूछेगा पुट करो, तुम्हारे पास सारे SHM के इक्वेशन को मैंने डील कर दिया है ना, ये अब तो कुछ बचा ही नहीं है बाबा। ठीक है, हाँ अगर यहां पर साइन की जगह कॉस होता, ठीक है कॉस में हम बात कर लेते, आगे समझ में। इसी तरह से बनाने हैं सवालों को, जब भी ऐसा इक्वेशन दे, एकदम ओमेगा दिया है तो कहां से स्टार्ट किए थे, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ था, ठीक है यहां से स्टार्ट हुआ था, पता नहीं क्या क्या हो गया। ठीक है कॉपी करो इसको, फिर छोटा छोटा बात देखते हैं, और चलो देखते हैं। दो सवाल है हमारे पास और ये दोनों बहुत इजी है। ठीक है, एक पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है SHM हैविंग मैक्सिमम एक्सेलरेशन अल्फा। सबसे पहले हम वन नंबर का बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर वन के बारे में बात कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ है मैक्सिमम एक्सेलरेशन अल्फा है, तो क्या लिखे ए मैक्स का वैल्यू अल्फा है क्या, और ए मैक्स का वैल्यू क्या होता है, ए ओमेगा होता है कि ए ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा का स्क्वायर होता है अल्फा। ठीक है, और सेकेंड नंबर में लिखा है वी मैक्स का वैल्यू बीटा लिखा है इसने, तो वी मैक्स का वैल्यू क्या होता है, ए ओमेगा होता है, जिसका वैल्यू हम बीटा लिख सकते हैं। हमको पूछा है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के लिए हमको ओमेगा बचाना पड़ेगा, एक काम करें दोनों में से किसी को डिवाइड कर देते हैं, है ना, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, ए ओमेगा का होल स्क्वायर बाय ए ओमेगा आ जाएगा, बराबर यहाँ जाएगा अल्फा बाय बीटा, टक 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 टक, ओमेगा का वैल्यू हो गया अल्फा बाई बीटा, ओमेगा का वैल्यू होता है 2π/T इज इक्वल टू α/β, दैट मीन्स टाइम पीरियड इज गेटिंग एज 2π/β/α, दैट्स योर आंसर। एकदम आसान था, चलो सेकेंड वाले के देखते हैं यहाँ पर कुछ, इस वाले में क्या धुआं धुआं उड़ाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर टू के बारे में बात कर रहे हैं, अल्फा डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी का स्क्वायर प्लस में बीटा एक्स इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, ये क्या एक्सेलरेशन होता है क्या डी स्क्वायर एक्स, है ना, लिख सकते हैं अल्फा ए प्लस में बीटा, एक्स को उधर भेज देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में बीटा एक्स, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा माइनस में बीटा एक्स बाई अल्फा। देखो तो कंपेरिजन करो, एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस में ओमेगा स्क्वायर एक्स से, यानी कि ये जो चीज़ है इसके जगह पे ओमेगा स्क्वायर आता है, यानी कि ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हम ये लिख सकते हैं, है ना, तो इसलिए ओमेगा का स्क्वायर का वैल्यू हो गया बीटा बाई अल्फा, इसका मतलब ये हो गया कि ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट ओवर बीटा बाई अल्फा, और ओमेगा का वैल्यू हमको पता चल ही गया टाइम पीरियड इसने पूछा था कि हाँ, तो 2π/T इज इक्वल टू रूट ओवर बीटा बाई अल्फा, तो टाइम पीरियड का वैल्यू हो जाएगा 2π√ अल्फा बाय बीटा, दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो ये तो था इंटायर काइनेमेटिक्स फेजर डायग्राम ऑफ SHM। हम लोग कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में इसके डायनामिक्स पर बात करेंगे, जो कि धमाकेदार होने वाला है। बने रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वो बेल आइकन की घंटी भी दबाई दो, थोड़ा जोर से दबाओ लाइक बटन। ठीक है, मिलते हैं, ओके बाय।